ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पर दीदी लोग रहती है, इस चट्टानों के ऊपर में घर बनाई है, बहुत सुकून लागे हुई नहीं तो इनके यहाँ रहे मुर्ग मजा आवत हो का पानी आवे तो और बेस लागल पहाड़ मन से पूरा पानी उन्हें गिरल झरना मन गिरल में हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं सिमडेगा से जसपुर, और हम लोग का जो सफ़र में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा आप लोग को इस वीडियो में दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आप लोग से मिलते हैं सीधा जसपुर में। अभी मैं और मेरा दोस्त मनन हम लोग जा रहे हैं दोनों जन जसपुर, और यहाँ से आगे चट्टानों को काट के बेहद ही खूबसूरत सा रोड का निर्माण किया गया है जो कि बहुत ही आकर्षक दिखता है। आइए आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, आप लोग बने रहिए। अभी हम लोग चलते हैं सफ़र में और आप लोग से मिलते हैं। जितना भी एडवेंचर प्लेस है इधर देखने को मिलेगा, सुंदर सुंदर नज़ारा सारा चीज़ आप लोग को दिखाएंगे गाइस। तो गाइस सफ़र को कंटिन्यू करते हुए हम लोग पहुँच जाते हैं काफ़ी बेहतरीन और आकर्षक सा लोकेशन में, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ की हरियालियों को, और काफ़ी खूबसूरत यहाँ का रोड है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं गाइस। और इस जगह को बागबोथा बोला जाता है, जो कि आपका रामरेखा पार करने के बाद ये जगह देखने को मिलता है। और यहाँ एक साइन बोर्ड है जहाँ तक सिमडेगा जिला का एरिया क्षेत्र पड़ता है, और इसका थाना होने वाला है पाकाटांड, और इस तरफ का एरिया होने वाला है आपका गुमला जिला में, और यही रोड आपको ले के जाएगा जसपुर। तो दोस्तों इस वक्त हम लोग को सफ़र के दौरान में देखने को मिला है प्रकृति का एक बेहद ही खूबसूरत सा दृश्य, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं इस बरसात के मौसम में इस तरह से इस चट्टानों की तलहटी से बूंद बूंद करता हुआ पानी गिर रहा है नीचे की ओर, आप लोग देख पा रहे हैं, और साथ ही यहाँ की हरियालियों को आप लोग देख पा रहे हैं। जगह जगह में इस चट्टान में आप लोग को इसका खूबसूरती देखने को मिल रहा है, इस तरह का हरियाली आप लोग देख पा रहे हैं गाइस। तो आप लोग देख पा रहे हैं बेहद ही खूबसूरत ये नज़ारा है इस रास्ता का, जितना ये खूबसूरत रास्ता है उसे कई गुना ये डेंजर भी है। तो चलिए आगे जो कुछ भी और देखने को मिलेगा सुंदर सुंदर व्यू इस मानसून का सफ़र में आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे, आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों सफ़र करते करते हम लोग पहुँच गए हैं बेहद ही खूबसूरत सा जगह में, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पीछे साइड में, और ये जगह जो कि आपको कोंडरा से जसपुर जाने वाला रोड के साइड में देखने को मिलेगा, और मेरे ख्याल से यही पानी जाके रानीदा में गिरता है शायद। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं गाइस, बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे हैं। और दो ब्रदर सब हैं यहाँ जो कि मछली फंसा रहे हैं, और बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है गाइस, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ। आइए आप लोग को ले चलते हैं और दिखाते हैं। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हैं छोटा सा डेक्ची है जिसमें पूरा मछली फंसाए हैं, दो भाई लोग हैं यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे हैं, और ये लोग बता रहे हैं कि जो ये पानी है यही पानी रानीदा में जाके वहाँ पर गिरता है, जो वाटरफॉल है आप लोग देखे होंगे रानीदा, अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग को इस वीडियो का आई बटन में दे दूँगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। और देख पा रहे हैं जैसे मछली खाने का जो स्वाद होता है अलग लेवल का होता है, मछली देखिए मन खुशी कैसे कर रहा है, देख पा रहे हैं काफ़ी नज़ारा आप लोग यहाँ का बहुत मस्त लग रहा है। दोस्तों इस वक्त हम लोग सफ़र करते करते पहुंच गए हैं सारोडी गांव, जसपुर में पड़ता है, और आप लोग देख पा रहे हैं ये पूरा गांव है, और आगे आप लोग को देखने को मिलेगा इस देश देखा जाने का जो रास्ता है वहां का आपको सुंदर दृश्य आकर्षक दृश्य। ये रास्ता जितना देखने में खूबसूरत है उससे कई गुना ये खतरनाक भी है। आइए आप लोग को ले चलते हैं इस एडवेंचर सफ़र में, और आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोग को पूरा नज़ारा इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है गाइस, आप लोग बने रहिए। तो भाई साहब क्या ही मस्त नज़ारा है इस रोड का, अभी हम लोग काफ़ी ऊंचाई में चढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन और आकर्षक सा लोकेशन है ये,
और रोड के दोनों साइड में आप लोग देख पा रहे हैं पूरा जंगलों की हरियालियों को देख पा रहे हैं, और जितना ये खूबसूरत लग रहा है उससे कई गुना ये खतरनाक भी है। तो चलिए हम चलते हैं आगे, अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस सफ़र को कंटिन्यू करते हुए और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं इस उच्च जगहों में, आप लोग देख पा रहे हैं गाइस। और साथ ही इस सफ़र में ऐसा लग रहा है कि सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो, ऐसा यहां का बेहतरीन लोकेशन को देख कर लग रहा है। बहुत ही आकर्षक नज़ारा है, यहां की हरियालियों को देख कर लग रहा है काफ़ी सुकून फील हो रहा है गाइस। और जैसे ही आप इस घाटी को पार करेंगे तो इस ऊँचे सब जगह में आपको पूरा समतल एरिया मिलने वाला है। और अभी हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं सफ़र को, और यहाँ पर हम लोग को पूरा नीचे उतरना पड़ रहा है, पूरा उतरान ही उतरान है यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन लोकेशन में आ गए हैं आज, ऐसा लग रहा है कि सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो, हम लोग सफ़र करते रह जाएँ। और गाइस यहाँ से दो रास्ता है, एक राइट और एक लेफ्ट, तो यहाँ से देश देखा जाने के लिए आपको लेफ्ट जाना है। और ये मेरे ख्याल से तेरह गांव है और इसे आगे चलेंगे। तो फाइनल गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं देश देखा, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे एंट्रेंस गेट। और यहाँ पर पहले तो टिकट कटवाना पड़ेगा, अभी घुसने दिया जाएगा लगता है। यहाँ पे एंट्री होगा पहले, बाइक का 20 रुपया और चार चक्का करके तय आदमी मन कर खाली, गाड़ी करना ही। आसपास में घूमे के लग और का जगह है, घर नीचे है, मंदिर सब है, मंदिर मना है, ओकर अलावा और कुछ कुनकुरी मंदिर से चरी डांडना है। अब जे नहीं पहले जैसे कैंपिंग कर सुविधा रहे उसन नखे खन अभी तो नखे अभी नखे हां अच्छा ठंडा में लागी ठंडा में लागे ने अच्छा। और यहां का बजे से का बजे तक रहल तो इन बिहान से ये है 7 बजे से 7 बजे से सांझ के का बजे 7 बजे 7 सुबह से 7 से शाम में 7 बजे तक। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं काउंटर है, तो चलिए हम चलते हैं अंदर और क्या कुछ है दिखाने के। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं देश देखा, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिला के अंतर्गत आता है। और इस तरफ में है ये देश देखा का हिल कैंप, आप लोग को ले चलेंगे और दिखाएंगे, वहां से पूरा अद्भुत और बहुत ही रोमांचक दृश्य दिखता है पूरा नज़ारा यहाँ से। और इस तरफ में मनसा देवी मंदिर है, उस तरफ भी ले चलेंगे, वहाँ से भी आकर्षक नज़ारा आप लोग को देखने को मिलेगा। और आसपास में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं चट्टानों में कई कलाकृति किया हुआ है, आप लोग को करीब से दिखाने का प्रयास करते हैं, तो आइए आप लोग वीडियो में बने रहिए। और दोस्तों इस तरफ में आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सूखा कचरा या गीला कचरा फेंकने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे एक कूड़ादान बोला जाए वो बनाया गया है, पर लोग घूमने के लिए आते हैं। पर आप लोग देख पा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे दोस्तों नहीं तो विवाद हो जाएगा, इस तरह से कचरा करके जाते हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ के जितने भी चट्टानों में कई कलाकृति आप लोग को देखने को मिल रहा है, कहीं भालू तो कहीं पे गिरगिट इस तरह से कलाकृति किया हुआ है। और कहीं कहीं पे यहाँ के जो आदिवासी कैसे अपना रहन सहन करते थे, कैसे शिकार करते थे, वही सब को बनाया गया है। और साथ ही दोस्तों अगर आप जशपुर आके देश देखा नहीं देखा तो क्या देखा, तो आप लोग देख पा रहे हैं इस पत्थर में देश देखा नहीं देखा तो क्या देखा। और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे कलाकृति देखने को मिल रहा है, कहीं पे मोर बना हुआ है, कई सारा चीज़ यहाँ पे पत्थरों में बना हुआ है। और आप लोग देख पा रहे हैं उस तरफ में खेलने उलने के लिए झूला उला इक्विपमेंट लगा हुआ है,
आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अगर आप घूमने के लिए आएंगे तो यहाँ पर आपको खेलने उड़ने के लिए कई चीज़ें देखने को मिल जाएंगे, मनोरंजन करने के लिए मनोरंजन कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग को चलिए इस देश देखा का जो हिल कैंप है उस तरफ में ले चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं और यहाँ का पूरा नज़ारा आप लोग देख सकते हैं गाइस। और साथ ही वहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से कलाकृति किया हुआ है, जिसको कि आप एलियन का जादू मूवी में आप लोग देखे होंगे कि ऋतिक रोशन का मूवी में देखे होंगे, एलियन का जो एरोप्लेन बोल सकते हैं या जहाज़ बोल सकते हैं वही है सादरी भाषा में। और इस तरफ में आप लोग देख पा रहे हैं यह गिरगिट है, हाथी गिरगिट बोला जाता है, जो अपना लगभग 7 कलर बदलता है, इस तरह से है ये गिरगिट। और इस तरफ में आप लोग देख पा रहे हैं पंडा, और इस तरफ में इसको हम लोग फेंगा बोलते हैं, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं अपने लोकल क्षेत्रीय भाषा में। और इस तरफ में आप लोग देख पा रहे हैं गाइस बहुत बड़ा एंडाकोंडा सांप, आप लोग को देख के डर लग रहा होगा ना। और इस तरफ में आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ा अजगर सांप। और चलिए आप लोग को ले चलते हैं आगे और दिखाते हैं गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं देश देखा का इन सुंदर वादियों में। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ का आकर्षक नज़ारा को आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। आसपास में कई छोटे छोटे झरने वाटरफॉल का आवाज़ सुनाई पड़ रहे हैं जो कि बेहद ही आकर्षक लग रहे हैं। और दोस्तों वहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर में देश देखा का जो कि ये हिल कैंप है, और अभी हम लोग उस देश देखा का हिल कैंप से नीचे साइड आए हैं और यहाँ पर पास में ही मनसा देवी मंदिर है। और आप लोग देख पा रहे हैं इस तरफ में एक बहुत ही सुंदर सा डैम आप लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको कि मयाली वैली बोला जाता है। आप लोग देख पा रहे हैं और यहाँ का हरियालियों को देख पा रहे हैं, और साथ ही आसपास में अभी धान का खेती किया गया है जो कि हरा भरा और लहलहा रहा है। यहाँ पर बहुत ही आनंद लग रहा है, यहाँ पर आके बहुत ही सुकून महसूस हो रहा है हम लोग को। और कुछ बच्चे भी हैं छोटे छोटे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये लोग भी यहाँ घूमने के लिए आए हैं। और मजा आ रहा है ना जी तुम लोग को घूम के यहाँ, ये रोज आता है घूमने तुम लोग आ जाया है? अच्छा ठीक है, और बहुत ही सुकून फील हो रहा है गाइस यहाँ पर। कभी मौका मिलेगा, कभी छुट्टी मिलेगा तो आप लोग भी इस जगह का, इस देश देखा का विजिट जरूर कीजिए, बहुत ही आनंद आता है यहाँ पर आके, बहुत ही रोमांचक और आकर्षक नज़ारा है। आप लोग देख पा रहे हैं अपनी साक्षात आंखों से देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी तो आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं तो आप लोग को बोरिंग लगेगा फिर, तो आप लोग मजा लीजिए। अभी हम लोग आप लोग को पूरा नज़ारा दिखाने वाले हैं। और ये आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों प्रकृति के गोद में बसा हुआ ये देश देखा ये जगह बोला जाता है, काफ़ी रोमांचक और काफ़ी सुंदर है। और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आसपास में कई छोटे छोटे झरने की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, आप लोग सुन सकते हैं, साथ में चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें। और आप लोग देख पा रहे हैं पूरा व्यू बेहद ही आकर्षक है, जितना ये आकर्षक दिख रहे हैं उससे कई गुना ये खतरनाक भी है। अगर आप यहाँ अपना सावधानी नहीं बरतेंगे तो आप उस खाई में गिर सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं काफ़ी ऊंचा जगह है। यहाँ के अस्थाई लोगों ने बताया कि जब मौसम साफ होता है तो इस देश देखा के व्यू पॉइंट से आपको पूरा कुनकुरी और चरई डांड़ और पूरा नारायणपुर दिखता है। और दोस्तों इस जगह से मधेश्वर हिल का भी नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ की खेतों की हरियालियों को दूर दूर तक आप लोग देख पा रहे हैं। जब पानी पड़ता है तो आपको ये पूरा जंगलों से भाप उठता हुआ दिखाई पड़ता है, जो कि और भी आकर्षक और रोमांचक लगता है। और वहाँ पे आप लोग को दिख रहे हैं जहाँ पे ये देश देखा का हिल कैंप है ऊपर से आपको देखने का, पर वहाँ से उतना ज़्यादा दिखता नहीं है, बस कुछ ही दूर आप देख पाएंगे। और अगर आप इस तरफ आएंगे उस तरफ से रास्ता है आने के लिए, यहाँ पास में ही एक मनसा देवी मंदिर है, वहाँ से अगर आप देखेंगे वहाँ से कुछ ही दूर इधर और आगे आएंगे तो आपको ये नज़ारा इस तरफ में देखने को मिलने वाला है। बहुत मज़ा आ रहा है इधर में, मेरे चंगू मंगू भाई लोग और दोस्त लोग आप लोग देख पा रहे हैं, सब कोई इंजॉय कर रहे हैं, इस जगह का लुप्त उठा रहे हैं, और बहुत ही सुकून और बहुत ही आनंद लग रहा है गाइस यहाँ पे आके। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आप लोग एक बार इस
जगह का विजिट करिए करिए आप लोग भी। इस वक्त हम लोग आए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ईटा का घर है जिसमें खपरा लगा हुआ है। बहुत कम आजकल ऐसा घर देखने को मिलता है, बस गांव में आप लोग को देखने को मिलेगा, टाउन में तो ना के बराबर देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक दीदी रहती है, तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर जो कैंपिंग होता है वो कब कब होता है। यहाँ जो कैंपिंग हो दीदी वो कब हो ना? वो है ना तक ही रहता हूँ। कौन महीना आसपास हो एल? सब महीना दिन है। नहीं तो एखन तो ना खाए है, तो कौन महीना आसपास हो एल? चालू हुई 6 तारीख। 6 तारीख आसपास से। अच्छा, तो इन यहाँ कई साल से रहा था? लगती 3-4 साल। डर और नहीं लागल जंगल में रहा तो इन? डर नहीं लागल। अरे का मन हिड़ुआ मन मुरुख सुखा है, जंगले कर बांस मन के सुखा है कि जंगल कर हम रहेल घर कर ओ गांव बटे से हो लंगल ने। अच्छा, तोर ओहे केरे गांव करे का के कौन गांव बटे से केरे गांव? तो आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर दीदी लोग रहती है, इस चट्टानों के ऊपर में घर बनाई है। बहुत सुकून लागल होई ने तो इनके यहां रहे, मुरुख मजा आवत होईगा। पानी आवेल तो और बेस लागल, पहाड़ मन से पूरा पानी उन्हें गिरल, झरना मन गिरल ने बहुत मजा आवेल। यहाँ दीदी मन रहे ना मुरुख मजा लागल है मन के, बरसात में तो और मुरुख सुंदर लागल इस जंगल झाड़ में पहाड़ में, तो पूरा इंजो दिसेला। जब पानी उनी आता है पड़ता है तो यहाँ पे पूरा भाप निकलता है, पूरा आकर्षक नजारा लगता है। और दीदी लोग तो ये सबको देख देख के पूर्णा हुई है, इसीलिए वैसा कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो मतलब बहुत कोई टूरिस्ट आते हैं तो लोग शहर से आते हैं तो ऐसा नज़ारा देख के बहुत ही रोमांचक लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, जोहार। तो दोस्तों आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को पूरा सिमडेगा से जसपुर तक का जो सफ़र रहा और जगह जगह में आप लोग को इतने सारे व्यू दिखाए, आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग को यहीं पे समापन करते हैं और आप लोग से मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए जगह और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय कर दो जी सब कोई। तो गैस जसपुर के बोकी गांव में है एक गिरमा नदी, वहां पे दो भाई लोग मछली फंसा रहे थे और हम लोग मछली खरीद के लाए हैं देसी वाला, और आज हम लोग इसको पका के खाने वाले हैं।